मेरा नाम महन मकबूल जान, इस आर्ट का नाम मैंने रखा कश्मीर फैब्रिक पेंटिंग। गवर्नमेंट से ये रजिस्टर्ड है, ये कश्मीर फैब्रिक पेंटिंग। पहली बार मैं कश्मीर में J&K में मैंने ये शुरू किया। उसके अलग मैं पेंटिंग छोटी छोटी पेंटिंग बना रहे और सूट पे कर रहा हूँ। और इसको मैंने इसलिए रखा जो हमारा कल्चर था ये हम भूल गए थे। हमारा डल लेक पहले पोजिशन क्या थी, जहलीम का पोजिशन क्या था, ये हमारा बदकिस्मती है। इस वक्त की देखो डल की याद और पुराने ज़माने की डल की याद। उसका पानी देखो, ये जो मैं पानी दिखा रहा हूँ इसका, ये पीने लायक का पानी था। ये हमारे गवर्नमेंट से ये उस पर फोकस करना है, हमें किस तरीके से इसको बचा के रखना। अगर इसको बचा के रखेंगे, इस पेंटिंग मैंने इसलिए दिखाया, जब भी उसको ये चीज़ बचा के रखेंगे तभी आर्टिज़न को रोज़गार बन जाएगा, टूरिज़्म आ जाएगा। एक साल अभी इनकम्प्लीट है। अगर हम कंटिन्यू बैठेंगे कम से कम एक महीना और लग जाएगा, सुबह के 8 बजे शाम नमाज तक। मैंने बार बार सुकून ये हैंडीक्राफ्ट से बोला था और ये आर्ट महफूज रखो, मैं एक एक घंटा या दो घंटे फ्री दूंगा क्लास। वो बच्चे बोल रहे थे, जब हमारे बच्चे बोल रहे, हमारा इसमें कुछ सर्टिफिकेट है नहीं, अगर हम इसका कोर्स करेंगे या कुछ, उसको जिस तरीके से बाकी चीज़ों में ये डिग्री देते हैं, इस आर्ट को भी डिग्री दो। जब से डिप्लोमा किया किसी फाइन आर्ट को क्यों डिग्री देते हैं, वो भी आर्ट कर रहे हैं। और एग्रीकल्चर को क्यों देते हैं डॉक्टर की डिग्री, आर्टिस्ट को दीजिए डिग्री। हमारा बच्चा भी सोचेगा ना, डिग्री तो सेम है, सर्टिफिकेट तो सेम ही, इसको भी कश्मीर यूनिवर्सिटी देते हैं, ये भी देते हैं, हम इसी में घुसेंगे। ये बोल रहे हैं इसमें इज्जत है नहीं, इसलिए हमारे बच्चे दूर भाग रहे हैं। अगर प्राइवेट लेवल पर बच्चे जा रहे हैं किसी प्राइवेट जॉब पे, वो भी 5,000 कमाते हैं या 7,000। अगर इसमें बैठेंगे सूट कश्मीर फैब्रिक पे सूट बनाएंगे, वो भी 400-500 कमाएंगे दिन का। मेरे हिसाब से कब्रिस्तान बन जाएगा ये हमारा आर्ट है, कब्रिस्तान बन जाएगा। इस पर पूरी तरह से ध्यान देना है, ये ज़िंदा रखना है, और स्कूल में तब तक सर्टिफिकेट नहीं देना है जब तक एक आर्ट का ये पास होना चाहिए।